व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है, आपको नीचे हमेशा इन्फेक्शन बना हुआ होता है प्राइवेट पार्ट में, और काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है, उस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। क्योंकि स्पर्म के लिए भी आपके जो वेजाइना का पीएच मेंटेन रहेगा, अच्छा रहेगा, जो स्पर्म है वो भी आपके ऊपर तक जाएंगे, वो वेजाइना में ही ख़त्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वेजाइना का पीएच इन्फेक्शन की वजह से ख़राब रहेगा, तो जो स्पर्म है उनकी क्वालिटी भी घट जाएगी, मोर्टेलिटी भी घट जाएगी, और वो ऊपर तक कई बार नहीं जा पाते हैं अगर आपको ल्यूकेरिया यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है तो। और यही आपको वादा डाल रहा है प्रेग्नेंट होने में, गर्भधारण करने में, तो आप फाइटोकॉन सिरप का उपयोग कर सकते हैं। उज्ज्वला आयुर्वेदा कंपनी इसको तैयार करती है, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट इसमें यूज हुए हैं, जैसे कि इसमें नीम बार्क यानी कि नीम की छाल है, बबूल बार्क है, बबूल की छाल है, बाला रूट है, बाला भी एक तरह की जड़ होती है, बाकी अशोक बार्क है, कपास रूट है, दारू हल्दी है, दारू हल्दी रूट, तो ये सारी जड़ी बूटियां इसमें यूज हुई हैं, तो ये 100% आपके लिए सुरक्षित है। काफी केमिकल से भरी हुई दवाइयां आप लेते हैं जो कि आपको आगे चल के साइड इफेक्ट देते हैं, और आप प्रेग्नेंट भी नहीं हो पा रही है, तो एक बार फाइटोकॉन सिरप का उपयोग आप कर सकती हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर डायरेक्ट आप उज्ज्वला आयुर्वेदा वेबसाइट से ले सकते हैं, अमेजोन वगैरह में भी ये उपलब्ध है। और अब बात कर लेते हैं इसको लेना कैसे है। आपको खाना खाने के बाद इस ढक्कन से एक ढक्कन सुबह लेना है और एक ढक्कन रात को खाना खाने के बाद इस ढक्कन से आपको लेना है, यानी कि दिन में 2 बार इस ढक्कन से आपको लेना है, और इसी तरीके से इसका उपयोग करना है, जिससे कि आपके जो इंटरनल इन्फ्लामेशन जो भी हुए हैं, जिसकी वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी समस्या को भी ये खत्म करेगा, और बाहरी जो भी वेजाइनल एरिया में इन्फेक्शन हुआ है, वेजाइना का पीएच मेंटेन नहीं है, उसको भी ये ठीक करेगा। क्योंकि इसमें नीम बार्क है यानी कि नीम नीम की छाल है और बाला रूट है, दोनों में ही एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं नीम में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपको इन्फेक्शन वगैरह से बचाते हैं, कई बार हम चोट में इसका उपयोग करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना उपयोगी आपके लिए हो सकता है। जो भी इन्फेक्शन है, इचिंग होती है बार बार वाइट डिस्चार्ज की वजह से, गीलापन रहता है, खुजली होती है, उस चीज़ को ये ठीक करेगा, तो लगातार इसका उपयोग करें। और आपको गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए भी आप लगातार ट्राई करें, मेरी भी वीडियोस देख सकते हैं कि महीने में किस दिन रिलेशन बना सकते हैं, जिससे कि आपको प्रेग्नेंट होने में काफ़ी मदद मिल सके। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कोई भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।